बैंकों के न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, सो फिनो पेमेंट्स बैंक का भी न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुकी है। और इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में फिनो पेमेंट्स बैंक ने न्यू कमीशन स्ट्रक्चर को लागू कर दिया गया है। अब आप करंट अकाउंट पर 100 रुपया और सेविंग अकाउंट पर 75 रुपये तक का इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो EPS ट्रांजेक्शन थी उसमें भी बढ़ाकर 11 रुपया कर दी गई है। इसके अलावा कई सारे सर्विसेज है फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी सर्विसेज में कितना कमीशन मिलने वाली है। अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की BC संचालक हैं या फिर CSP सेंटर लेकर काम करना चाहते हैं तो कौन सी सर्विसेज में कितना कमीशन मिलने वाली है आपको जानकारी होना जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको उचित जानकारी मिल सके। ये रहा मेरे पास फिनो पेमेंट्स बैंक की कमीशन स्लैब, और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों का फोटो भी लगा रखा है, क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक राजस्थान रॉयल्स का डिजिटल पेमेंट पार्टनर बन चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कासा बेस कमीशन दिखाया गया है, यानी कि कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और उसमें भी ये जो कमीशन दिखाया गया है 2K मॉडल के अंतर्गत है। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी आप 2000 या 2000 से कम की आईडी लेते हैं वो सब 2K मॉडल के अंतर्गत आती है। जैसे आपने 400 के लिए हो, 600 के लिए हो, 1500 के लिए हो, या फिर 2000 की डायरेक्ट फिनो मित्र एप्लीकेशन में वीडियो KYC करके आप मर्चेंट बनते हैं, वो 2K मॉडल के अंतर्गत ही आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रथम अकाउंट और शुभ सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, जन सेविंग अकाउंट, आरंभ का और प्रगति करंट अकाउंट और संपन्न करंट अकाउंट, ये सारे कमीशन स्लैब यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे ये जो लिखा हुआ है बेस प्राइस बिट DC, यानी कि डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड के साथ में किसी का प्रथम सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको 25 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर आप शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको 25 रुपये कमीशन मिलेगा। भविष्य सेविंग अकाउंट में भी 25 रुपये कमीशन मिलेगा, सरल सेविंग अकाउंट में भी 25 रुपये का कमीशन मिलेगा, और जन सेविंग अकाउंट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जन सेविंग अकाउंट डेबिट कार्ड के साथ नहीं खोला जाता है। ठीक है, यानी कि डेबिट कार्ड के साथ खुलता ही नहीं है। आरंभ सेविंग अकाउंट का भी वही कंडीशन है। अगर आप प्रगति करंट अकाउंट खोलते हैं तो आपको 50 रुपये का कमीशन मिलेगा, साथ ही साथ संपन्न करंट अकाउंट में भी 50 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे बेस प्राइस विदाउट डेबिट कार्ड। अगर बिना डेबिट कार्ड का किसी का प्रथम सेविंग अकाउंट खोलते हैं या फिर शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हैं या फिर भविष्य सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो इसमें आपको 10 रुपये का कमीशन ही मिलने वाला है। लेकिन जन सेविंग अकाउंट में आपको 15 रुपये कमीशन मिलेगा, क्योंकि जन सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड मिलता ही नहीं है, यानी कि बिना डेबिट कार्ड का ही खोला जाता है, इसलिए इसमें 15 रुपये आपको मिलने वाला है। आराम सेविंग अकाउंट में भी 15 रुपये आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप प्रगति करंट अकाउंट खोलेंगे तो इसमें आपको 10 रुपये मिलेगा, संपन्न करंट अकाउंट में भी 10 रुपये मिलेगा। यानी कि ये जो कमीशन स्ट्रक्चर आप नीचे वाला देख रहे हैं बिना डेबिट कार्ड का है। अब यहाँ पर आपको अर्निंग रेंज दिखा रहा है कि एक अकाउंट पे कितना रुपया आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि प्रथम सेविंग अकाउंट में 10 रुपये से लेकर आप 75 रुपये का अर्निंग कर सकते हैं एक अकाउंट पर। शुभ सेविंग में भी आप 10 रुपये से लेकर 75 रुपये का अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर करंट अकाउंट में देखा जाए तो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का आप अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे कि 10 रुपये से लेकर 75 रुपये तक अर्निंग कैसे होगा, तो हम आपको नीचे दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर 35K या फिर 59K मॉडल से अगर आप मर्चेंट बनते हैं यानी कि रिटेलर बनते हैं तो यहाँ पर आपको 35K यानी कि 35,000 वाला मॉडल में 5 रुपये आपको पर अकाउंट पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 59,000 मॉडल वाला में आपको पर अकाउंट पर 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब यहाँ पे 35K में क्या मिलता है, 59K में क्या मिलता है, इसका हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कितने मॉडल चलते हैं, कितने मॉडल्स में कितना पैसा लगता है और ये जानकारी आपको दिया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको मिल जाए। अब यहाँ पर कासा इनिशिएटिव, यानी कि फ्रेंड्स ये जो कमीशन स्ट्रक्चर आपने देखा ये तो आपको फिक्स है, इतना तो आपको मिलना ही मिलना है पर अकाउंट पर। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 10 रुपये से लेकर 75 रुपये तक का या फिर 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, वो कैसे कमाएंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि समय समय पर इनिशिएटिव चलते रहता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कासा डबल धमाका में, और यहाँ पे मैं बता दूं कि अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है लगभग आने वाला समय में भी यही आपको मिलते रहेगा, क्योंकि पिछले बार भी यही मिल रहा था और अभी भी आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, अगर एक अकाउंट से लेकर 5 अकाउंट एक महीने में आप खोलते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, यानी कि जो कमीशन अभी आपने देखा ये कमीशन यहाँ पे जो फिक्स है यही आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 6 अकाउंट से लेकर 20 अकाउंट
6 अकाउंट से लेकर 20 अकाउंट पर मंथ खोल लेते हैं तो आपको एक अकाउंट पर 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स अभी आपको कितना मिल रहा था, अभी आपको मिल रहा था यहाँ पर जैसे प्रथम समय अकाउंट खोलते हैं तो 25 रुपए मिल रहा था अगर डेबिट कार्ड के साथ में खोलते हैं, तो यहाँ पर अगर 6 अकाउंट से लेकर 20 अकाउंट तक पर मंथ खोल लेते हैं तो 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि आपको कितना होगा, एक अकाउंट पर हो गया 35 रुपया कि अगर 11 से लेकर 20 अकाउंट एक महीना में खोलती हैं तो पर अकाउंट पर आपको 20 रुपया और दिया जाएगा। यानी कि पहले आपको कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था आपको 25 रुपया और 20 रुपया आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी आपको हो गया 45 रुपया। इसी तरह से 21 अकाउंट से लेकर 30 अकाउंट पर मंथ खोल लेते हैं तो आपको 30 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह से 30 से प्लस जितने भी अकाउंट आप खोलते हैं पर अकाउंट पर आपको 40 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि 25 रुपया तो नॉर्मली आपको एक अकाउंट में मिलता है, यहाँ पे 40 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो गया 65 रुपया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। अगर जिसको आपने अकाउंट खोला है और 7 दिन के अंदर अगर 1500 रुपया अपने खाता में डिपॉजिट कर लेता है तो 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ पर आपको 65 और 5 हो गया 70 रुपया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट खुल जाता है, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट लगाइएगा और अकाउंट खुल जाएगा, पैन कार्ड हो या ना हो। लेकिन अगर पैन कार्ड के साथ में खोलते हैं तो 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 75 रुपया हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आप 10 रुपया से लेकर 75 रुपया तक इनकम कर सकते हैं एक अकाउंट पे, तो यहाँ पर इसी तरह से आप जो है इंसेंटिव लेकर आप 75 रुपये तक का एक अकाउंट पे इनकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक स्लैब आपको और मिल जाता है, कासा एमएबी ऑफर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एमएबी के मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस। यहाँ पर दो खाते में लागू होती है, अगर किसी कस्टमर को शुभ सेविंग अकाउंट या फिर प्रथम सेविंग अकाउंट आपने खोला है और वो कस्टमर 500 से लेकर 1000 रुपए का एमएबी बना के रखता है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, जैसे कि 0.05% का आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसी तरह से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का अपने खाते में पैसा रखता है तो आपको 0.15% का कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अगर 10000 रुपए से ऊपर रखता है तो यहाँ पर जो है से आपको 0.30% का कमीशन आपको मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपया में आपको 30 पैसा एक्स्ट्रा मिलते जाएगा। ये जो कमीशन स्लैब है एक्स्ट्रा तब आपको मिलेगा जब कम से कम आपने 25 खाता खोल रखा होगा। अगर आपने कम से कम 25 खाता खोल रखा होगा तब जाके यहाँ पर आपको मिलेगा, 25 खाते से कम होगा तो ये जो कमीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप एटीएम कार्ड के साथ में खाता खोलते हैं तो शुरू में तो जो पैसा लगना है वो लग जाता है, लेकिन अगले साल भी एटीएम कार्ड का पैसा कटता है। तो जब एटीएम कार्ड का पैसा कस्टमर के खाते से कट जाएगा तब जो है यहाँ पर आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन आपको और दे दिया जाएगा, यानी कि आपको हर साल 10 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन और डेबिट कार्ड पर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर आती है कैश डिपॉजिट का, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप एपीएस के माध्यम से कैश डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या कमीशन मिलती है यहाँ पर दिखाया गया है। अगर 500 रुपये से लेकर 999 तक करते हैं तो आपको 50 पैसा मिलेगा, 1000 से लेकर 1499 के बीच में आपको 1.5 रुपया मिलेगा। इसी तरह से अगर मैक्सिमम कमीशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 8 रुपये मिलने वाला है कैश डिपॉजिट में, यानी कि किसी कस्टमर के खाते में पैसा जमा करते हैं उसमें आपको 8 रुपये तक मिलेगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी बैंक में आप जमा कर सकते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आंध्रा बैंक। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे बैंक है इसके अंदर, जो भी यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं इन बैंकों के अंदर ही आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बाकी के बैंकों में आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। रही बात कैश विड्रावल की, तो कैश विड्रावल तो सभी बैंकों में हो जाती है। ये जो कमीशन स्ट्रक्चर आपने देखा कैश डिपॉजिट के ऊपर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर किसी कस्टमर के खाते से पैन कार्ड को लिंक करेंगे तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि जब कस्टमर खाता खुलवा रहे होते हैं उस समय उनका पैन कार्ड नहीं बना होता है तो बिना पैन कार्ड के ही अकाउंट खुलवा लेते हैं और बाद में वो पैन कार्ड बनवा लेते हैं, तो उस स्थिति में उनकी खाते से पैन कार्ड को लिंक आप कर सकते हैं। किस तरह से लिंक करना है पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप कस्टमर के खाते से पैन कार्ड को लिंक करेंगे तो पर पैन कार्ड लिंक करने पर आपको 5 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। अभी है डीएमटू थ्रू स्लैब, यानी कि स्लैब बाय स्लैब यहाँ पे आपको बताया गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1000 में आपको 5 रुपये 20 पैसा का चार्जेस लगने वाला है, यानी कि आप मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको 1000 में 5 रुपये 20 पैसा कट जाएगा।
और यहाँ पर अगर बात करें, अगर आपकी अच्छी खासी मनी ट्रांसफर है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करती हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की अगर पर मंथ आपकी बिजनेस जाती है मनी ट्रांसफर के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पर बचत होगी 0.02% का, यानी कि इतना आपको कम लगने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको 25 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक का पर मंथ आपका मनी ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर आपको 0.04% का कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा, कमीशन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको कम लगने वाला है, यानी कि 5 रुपए 20 पैसा जो लगने वाला था उसमें भी आपको इतना पैसा कम हो जाएगा, यानी कि आपको कम लगने वाला है। इसी तरह से अगर आपको अच्छी खासी मनी ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर आपको 0.08% का कमीशन मिलेगा, यानी कि आपको 5 रुपए 20 पैसा में भी इतना आपको कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन आप देखेंगे धनाधन ऑफर के अंतर्गत, यहाँ पर एटीएम और एपीएस से जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपको इंसेंटिव दिया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप एक महीने में 3 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं एपीएस और माइक्रो एटीएम के मिलाकर, तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि जो एपीएस में आपको कमीशन मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी बिजनेस अगर 3 लाख हो जाती है तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, अगर फर्स्ट 3 लाख आप क्रॉस करते हैं तो आपको 100 रुपए मिलेगा, लेकिन 3 लाख के बाद अगर फिर से आप 3 लाख कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा फिर से मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट 3 लाख पर आपको 100 रुपए मिलेगा, इसके बाद जैसे ही 3-3 लाख रुपए आपको बिजनेस होते जाएगा तो 3 लाख पर यहाँ पर 25 रुपए का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर एपीएस मिनी स्टेटमेंट के अंतर्गत अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक से मिनी स्टेटमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 रुपया का मिनी स्टेटमेंट पर कमीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर माइक्रो एटीएम और एपीएस की कमीशन स्लैब बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 दिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, एपीएस में भी आपको यहाँ पर 2 स्लैब मिल जाता है और माइक्रो एटीएम में भी आपको 2 स्लैब मिल जाता है। अगर आप 100 रुपए से लेकर 999 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो एपीएस में आपको मिलता है ऑप्शन 1 के अंतर्गत 1 रुपया। इस तरह से अगर 1000 से लेकर 1499 के बीच में जो ट्रांजेक्शन करेंगे एपीएस में, आपको मिलेगा 2 रुपया। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4000 से लेकर 4999 तक का जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे एपीएस से, आपको मिलेगा ऑप्शन 1 के अंतर्गत 7 रुपया और ऑप्शन 2 के अंतर्गत आपको मिलेगा 10 रुपया। यानी कि फ्रेंड, 4000 से एक्स्ट्रा का जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा ऑप्शन 2 में ही आपको 10 रुपया मिलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रो एटीएम का कमीशन दिया गया है, यानी कि जो माइक्रो एटीएम होती है एमएटीएम, उसके माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे वो कमीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लगभग सेम ही कमीशन रहता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो एटीएम 1 रुपया आपको ज्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको 11 रुपया माइक्रो एटीएम कि जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कमीशन है यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे चाहे माइक्रो एटीएम का कमीशन हो या फिर एपीएस का हो, पहले से जो डिफॉल्ट आपको मिल रहा होगा ऑप्शन 1 ही मिल रहा होगा। अब आपको अगर अच्छा लगता है कि ऑप्शन 2 हम यहाँ पे एक्टिव करा ले, ऑप्शन 2 के अंतर्गत जो भी कमीशन यहाँ पे बताया गया है वो मुझे मिले, तो उसको एक्टिव कराने के लिए आपको एक मैसेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक नंबर दिख जाता है 7836878, इसी नंबर पे आपको टाइप करना है मैसेज। टाइप क्या करना है, MA2, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे MA2 जिस तरह से नॉर्मल मैसेज करते हैं उसी तरह से मैसेज आपको करना है। किस नंबर से करना है, तो जिस नंबर से आपकी आईडी बनी हुई है, यानी कि आपकी आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी नंबर से आपको सिंपल नॉर्मली मैसेज करना है और यहाँ पे टाइप करना है MA2 और इस नंबर पे आपको भेज देनी है। तो भेजने के बाद जो है आपका ऑप्शन 2 वाला जो कमीशन स्लैब है वो आपकी आईडी में लागू हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम से आपको ऑप्शन 2 वाला कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो एक यहाँ पे स्लैब और आपको मिलता है डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर। अगर फ्रेंड्स आपका जो कस्टमर है जिसका आपने खाता खोला है एटीएम कार्ड से अगर पैसा निकालता है, तो यहाँ पर आपको 0.1% का कमीशन मिलेगा, मैक्सिमम आपको 5 रुपया दिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है इंश्योरेंस का। अगर फ्रेंड्स आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको क्या कमीशन मिलेगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। होपी कैश रीडर का अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस करते हैं तो इसका जो प्रीमियम होता है 600 लेकर 950 रुपए तक का होता है, इसमें आपको 90 रुपए से लेकर 220 रुपए तक का कमीशन मिल जाता है। फैमिली फ्लोटर का यहां पर आप इंश्योरेंस करेंगे तो यहां पर आपको 3540 रुपए से लेकर 5664 रुपए का इंश्योरेंस होगा, जिसमें आपको 363 रुपए से लेकर 858 रुपए का यहां पर जो है आपको बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि कमीशन आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा यहां पर आपको चलने वाली है और सबसे अगर कम में देखा जाए तो यहां पर डेंगू एंड मलेरिया का है, जो मात्र 49 रुपए का इंश्योरेंस होता है, यहाँ पर आपको 8 रुपए से लेकर 12 रुपए तक का कमीशन मिल जाता है। और मैं फ्रेंड्स बता दूं कि अभी गर्मी के बाद बरसात आने वाली है, बरसातों में डेंगू और मलेरिया का जो बीमारी है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आप मात्र 49 रुपए का इंश्योरेंस कर सकते हैं और यहाँ पर
नॉर्मली अधिकतर लोग करवा ही सकते हैं क्योंकि बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर इंश्योरेंस हो रहा है। और यहाँ पे जिनका इंश्योरेंस आप करेंगे उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करेंगे तो 135 रुपए से मात्र होगा और 15 रुपए से लेकर 22 रुपए तक आपको कमीशन मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर का भी इंश्योरेंस है, यहाँ पे भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा, तो आप इंश्योरेंस करके भी अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे CMS यानी कि कैश कलेक्शन का कमीशन स्टेटस दिया गया है। कैश कलेक्शन क्या होती है, क्या बेनिफिट होती है, इसके बारे में वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे एजेंट बाय अगर आप यहाँ पे कैश कलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया कि 0.10% से लेकर 0.17% का कमीशन आपको मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स 1,00,000 में आपको 100 रुपया यहाँ पर बनता है और यहाँ पर 1,00,000 में बनता है 170 रुपया। यहाँ पर आपको अलग अलग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी कंपनी में ज़्यादा है किसी कंपनी में कम है, यानी कि लगभग 1,00,000 पर आपको 170 रुपये तक का यहाँ पर कमीशन मिल जाएगा। इस तरह से अगर कस्टमर वाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.15% का कमीशन से लेकर 0.35% का कमीशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 1,00,000 में देखा जाए तो 150 से लेकर यहाँ पर 350 रुपये तक का कमीशन आपको मिलता है। और इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर रिचार्ज में भी कमीशन आपको दिया गया है, हालांकि रिचार्ज में ज़्यादा कमीशन यहाँ पे नहीं मिलती है। यानी कि यहाँ पर आप 100 रुपये का अगर वोडाफोन का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 पैसा मिलेगा, 200 का रिचार्ज करते हैं यहाँ पर आपको 80 पैसा मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि APS की जो ट्रांजेक्शन होती है उसका कमीशन आपको इंस्टेंट मिल जाता है, बट जो आप अकाउंट खोलते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट करते हैं या फिर जो भी इंसेंटिव कमीशन आपको बताया गया है वो कमीशन आपको अगले महीने की 7 तारीख को मिलता है।